हेलो डियर स्टूडेंट्स तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक करेंगे ट्रांसमिशन मीडियम एंड द बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम क्लियर है बेटा तो चलिए करते हैं स्टार्ट देखिए ट्रांसमिशन मीडियम क्या है जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि बेटा जो इन्फॉर्मेशन है हमारा या मैसेज सिग्नल है वो जिस सोर्स के थ्रू मतलब जहां से होकर के वो प्रोपेगेट करता है उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम ठीक है एक वायर भी हो सकती है ट्रांसमिशन मीडियम फ्री स्पेस भी एक ट्रांसमिशन मीडियम हो सकता है तो देखिए बेटा ट्रांसमिशन मीडियम के दो टाइप के हैं यहां सबसे पहले गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम और एक होता है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम अब गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम क्या है बेटा देखिए ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम एक ऐसा मीडियम जहां पर हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करते हैं कैसा कम्युनिकेशन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मतलब एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा उन दोनों के बीच में सीधा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होगा तो उसे बोलेंगे गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम क्लियर है बेटा समझ में आया जैसे जो हमारी कोएक्सियल केबल्स होती हैं ठीक है जो वायर्स के जरिए हम कनेक्शन करते हैं तो वहां कम्युनिकेशन जो होगा दैट इज गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम से होगा वो क्लियर है कोएक्सियल केबल है हमारी ऑप्टिकल फाइबर है ये किसमें यूज़ की जाती हैं गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम का काम करेंगी हमारे लिए क्लियर है जैसे कि अच्छा अब फिर नेक्स्ट अपना आता है बेटा अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है ये इस ट्रांसमिशन मीडियम में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं होता जो ट्रांसमीटर और रिसीवर इनका पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होता अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम में क्लियर है यहां पर बहुत सारे रिसीवर हो सकते हैं एक सिंगल ट्रांसमीटर और रिसीवर बहुत सारे जैसे बेटा कि हमारा टेलीविजन सिस्टम है अब टेलीविजन सिस्टम में क्या होता है एक जगह से सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया जाता है लेकिन उन सिग्नल को रिसीव करने के लिए आगे बहुत सारे रिसीवर लगे होते हैं जैसे हमारे घरों में हर घर टीवी लगा हुआ है डिश लगी हुई है क्लियर है ना तो वहां पर क्या है हमारे जो सेट बॉक्स है या हमारी डिश है वो तो रिसीवर का, का काम कर रही है क्लियर तो रिसीवर तो बहुत सारे हैं यहां पर लेकिन ट्रांसमीटर केवल एक ही जगह पर फिट किया गया है ठीक है तो जो यहां पर कोई पर्टिकुलर मतलब सिग्नल किसी एक डायरेक्शन में गाइडेड नहीं करे गए उन सिग्नल्स को हर तरफ फैला दिया गया है और रिसीवर आगे बहुत सारे हैं वो रिसीवर उसको रिसीव कर लेते हैं सिग्नल को तो अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम था ये और ये था गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम क्लियर अब देखिए बेटा जैसे कि हमारी जो को केबल होती है इनकी जो बैंडविड्थ आपने याद रखनी है सेवन फिफ्टी होती है क्लियर कोवेक्ल केबल की बैंडविट है सेवन फिफ्टी मेगा क्लियर है और ये जो केबल्स हैं जनरली एटीन गीगा हर्ट से नीचे ही काम करती हैं बैंडविड सेवन फिफ्टी मेगा हर्ट्स और ये जो ऑपरेट करती हैं वो मैक्सिमम अठारह गीगा हर्ट तक इससे कम पे ही एक्चुअली में वो ऑपरेट करेंगी क्लियर फिर नेक्स्ट है आपका बेटा जो कॉम्युनिकेशन है फ्री स्पेस के अंदर फ्री स्पेस के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो उसकी जो रेंज है वो ये रहती है टेन की पावर फाइव हर्ट से टेन की पावर नाइन हर्ट्स क्लियर है तो मतलब कम्युनिकेशन थ्रू द फ्री स्पेस उसकी बैंडविड्थ ये होती है दस की पावर पांच हर्ट से दस की पावर नो हर्ट्स फिर है हमारा ऑप्टिकल फाइबर कॉम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर कॉम्युनिकेशन में बेटा जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो वन टेरा हर्ट से वन थाउजेंड टेरा हर्ट्स तक होती है क्लियर और जो ऑप्टिकल फाइबर है इट कैन इसमें जो बेटा ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो लगभग अगर बैंडविड्थ की बात करें वो नियरली हंड्रेड गीगा हर्ट्स तक होती है और ये इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज रही क्लियर है तो ये आपको सिंपली याद रखनी है बेटा और ये बाकी कुछ और भी हैं यहां पर ये भी आपको टेबल जो है एज इट इज याद रखनी है जैसे कि यहां पर टेलीविजन है सेलुलर मोबाइल रेडियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन केस में जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो यहां पर गिवन है और इसको आपने याद रखना है क्लियर है इसको सिंपली आपको याद रखना होगा और कोई इसका जरिया तो है नहीं लर्न करने का ठीक है तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए ठीक है बेटा नोट कर लिया तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे